कुछ नहीं होता है, मतलब सबसे प्रशासन तेरी तानाशाही आरोपियों को सस्पेंड करो, कल रात को मृतका सावित्री देवी, उसकी 11 वर्षीय बेटी पेड़ के नीचे सो रहे थे। तेज आंधी के चलते पेड़ टूटने से बच्ची और मृतका है वो दोनों घायल हो गए। उनको लेकर के अस्पताल के लिए निकले ग्रामीण, तो बताया जा रहा है कि बच्ची ने तो रास्ते में दम तोड़ दिया, लेकिन सावित्री देवी को लगभग 10 बजे अस्पताल के अंदर ले पहुंचा दिया गया था। डॉक्टरों ने लापरवाही करते हुए ये बोला कि इसके को नॉर्मल फ्रैक्चर है, उस पर ध्यान नहीं दिया और बच्ची के पोस्टमार्टम की तरफ चले गए। 10 बजे की लाइव हुई, 1 बजे उनकी डेथ हो गई उपचार के अभाव में। यहाँ पे एक पेन किलर भी उनको नहीं दिया गया था, ना फर्स्ट एड दिया गया था। बदले में डॉक्टर कह रहे थे कि इसको कुछ नहीं होगा, आराम से है। उन लापरवाही बरती गई, हम तो चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही पहले भी हो चुकी है, पुनरावृत्ति न हो। आरोपी जो चिकित्सक हैं उन सबको सस्पेंड करो। सुनने में आ रहा है कि रात को जो डॉक्टर्स हैं वो मौके पे भी नहीं थे, उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वहाँ परजेंट है, कुछ शराब के नशे में थे। सुबह जब तहसीलदार साहब आए तो उनका बिहेव जनता के साथ में अच्छा नहीं है। आप जनता के नौकर हो तहसीलदार जी, आपको भाषा शोभा नहीं देती है कि मेरे कपड़े फाड़ दो या मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं आपकी कुर्सी पर बैठने का। हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। आपदा प्रबंधन के जो भी प्रोटोकॉल है उनके तहत माननीय कलेक्टर साहब से भी हम निवेदन करते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निवेदन करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। अगर इनको निलंबित नहीं किया गया हम धरने पर बैठे रहेंगे, यह आंदोलन बड़ा चलेगा निश्चित रूप से कहने वाले हैं। अगर जल्द ही हमें न्याय नहीं मिला हम डॉक्टर को बाहर निकाल करके अस्पताल में ताला लगा देंगे। रात को अंधकार आया था, अंधकार के नीचे पेड़ टूटकर पेड़ के नीचे सो रहे थे और यह अच्छा होगा वहाँ से गांव वालों ने उनको काट कर पेड़ के नीचे से और यहाँ लेके आ गए 10:15-10:30 बजे लगभग। और यहाँ पहुँच गए, यहाँ आते ही बच्ची को तो डेड घोषित कर दिया डॉक्टर ने, और जो वो थी इसके घराली लेडीज उसको इलाज के भाव में उसको वो भी नहीं किया, वो करेंगे रेफर करेंगे वो करेंगे और बैठे रहा। डॉक्टर रात को इतने लापरवाह था, शायद शराब भी पी रखी थी और उन्होंने इतना वो किया, बहुत ज़्यादा किया। तो हम तो सबसे ज़्यादा ये मांग करते हैं कि रात को जो भी स्टाफ था इनके साथ जो व्यवहार किया वो ये बता रहे हैं, हम भी थे रात को, पर लेकिन बहुत गलत व्यवहार किया, इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। और यहाँ सुबह प्रशासन के तौर पर जो तहसीलदार जी यहाँ आए, आते ही तहसीलदार जी ने हमें क्या कहा, तहसीलदार जी ने हमें ये कहा कि हमें मेरे को फांसी दे दो, वो दे दो, मेरे कपड़े फाड़ दो। उनके भी रवैया सही नहीं था हमारी जनता के लिए, गरीब परिवार के लिए। हम सब एक ही मांग रखते हैं, गरीब परिवार को न्याय चाहिए और इनको जो भी मुआवजा, इनको सस्पेंड होना चाहिए डॉक्टर और बाकी इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए।